जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टिकटॉक में। तो आज के लिए फिर से यहाँ पर हम आपके लिए लाए सामान्य ज्ञान का पार्ट 4। अपनी यह टेस्ट सीरीज निरंतर चल रही है, सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपके लिए, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोल क्रांति का संबंध किससे है। चार विकल्प होंगे, आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताते जाएं। गोल क्रांति का संबंध किससे है, टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या शलजम उत्पादन। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आलू उत्पादन। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। भारत में आलू 16वीं सदी में पुर्तगाल से लाया गया था और इसके विकास के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में इसकी स्थापना की गई थी। यह आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, शिमला। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर दो है अपने यहाँ पर, तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, चाय, रबड़, कॉफी या इलायची। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर दो का यहाँ पर सही आंसर है कॉफी। विकल्प नंबर सी सही आंसर है, जिन्होंने भी सी बताया उनका सही आंसर है, यहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद में बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं, रबी, खरीफ या वर्षा पुष्ट या शुष्क खेती। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर तीन और चार विकल्प हैं और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, खरीफ फसल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, खरीफ फसल। खरीफ फसलों का भारतीय कृषि और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण ही योगदान रहा है। पिछले कुछ वर्षों की आंकड़ों के आधार पर ये फसलें औसतन 72.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर उगाई जा रही हैं और लगभग 105.9 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन 95.7 मिलियन टन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आपके लिए बताना है कि गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है, तो क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या बायोगैस। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर चार का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि बायोगैस। बायोगैस है जो गैर परंपरागत स्रोतों के अंतर्गत आता है। और देखिए, जैव गैस या बायोगैस वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों में कचरा से पैदा की जा सकती है। यह पर्यावरण मित्र और CO2 न्यूट्रल है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या है, चार विकल्प हैं, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। पेट्रोलियम, कोयला, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका विकल्प नंबर एक। क्या है विकल्प नंबर एक में, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस। विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर छह का क्या है इसका सही आंसर, निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लोह अयस्क की जो प्राप्ति होती है वह होती है कहाँ से। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा, बेला डीला जो है यह सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। देखिए, बेला डीला छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ियों की सुंदर श्रृंखला है, यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहे खनिज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोरियम का भंडार बताना, विश्व का सबसे बड़ा वो भी भारत में है, तो भारत के किस राज्य में है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या असम। तो क्वेश्चन नंबर सात का यहाँ पर जो सही आंसर है वह बताना है। क्वेश्चन नंबर सात का यहाँ पर सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर एक, यानी कि केरल। एक विकल्प नंबर सही आंसर है। थोरियम धातु की खोज 1800
28 में की थी। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि थोरियम धातु की खोज कब की थी, तो यह 1828 में की गई थी इसकी खोज, और बजीरिये सनी थोराइट एक्स में की थी। यद्यपि इसके अनेक एक्स ज्ञात हैं, परंतु मैनेजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है, या उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सत्य है, तो आपका यहाँ पर आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सत्य हैं, यानी कि तीनों कथन यहाँ पर कैसे हैं, सत्य हैं। और देखिए यहाँ पर, खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का या उड़ीसा का। चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है, क्या है इसका सही आंसर। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी, क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। भारत के कुल कोयला योगदान उत्पादन का सर्वाधिक भाग गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है, जिसका विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में फैला है, जहाँ से कोल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त किया जाता है, जबकि 17% कोयला मध्य प्रदेश और तथा छत्तीसगढ़ से 6% कोयला आंध्र प्रदेश और यहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है, बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, क्या है इसका सही आंसर। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में की गई थी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कोलकाता, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, आधुनिक ढंग की सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 कोलकाता के समीप पोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, यह भी आपके लिए याद रखना है। सन कब की गई थी इसकी स्थापना, 1818 में, किंतु यह असफल रही, परंतु पुनः इसको 1851 मुंबई में एक मिल स्थापित की गई जो असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में ही कावसजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1956 में उत्पादन प्रारंभ हुआ, सॉरी 1856 में उत्पादन प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी बताना है, तेल शोधन उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग या कागज उद्योग। चार विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर सही आंसर बताना है, बरौनी जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1, तेल शोधन उद्योग। तेल शोधन उद्योग यहाँ पर विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है, यह बिहार में है, और जो सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। और बरौनी उत्तरी बिहार का प्रमुख औद्योगिक नगर है। बरौनी में तेल शोधन कारखाना और ताप शक्ति संयंत्र भी हैं। गंगा पर सड़क पुल और रेल पुल है, और प्रमुख राजमार्गों और रेल और जल मार्गों से जुड़ा यह नगर एक कृषि व्यापार केंद्र भी है। बरौनी नगर के महाविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में ईस्वी में किस स्थान पर जूट की मिल स्थापित की थी या स्थापना की थी, तो बताइए कहां पर की थी, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में कब 1855 ईस्वी में तो किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी, तो यहाँ पर सही आंसर है, क्या है, रिसरा में। रिसरा में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत में सर्वप्रथम 1859 ईस्वी में कोलकाता के निकट
मिश्रा में हुगली नदी के किनारे जूट मिल की स्थापना की गई थी। भारत संपूर्ण विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्यात करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा कहा जाता है तो वह भारत का कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है क्या है? उत्तर प्रदेश, विकल्प नंबर एक। विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा भारत का, तो भारत का तो किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। लेकिन विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा, क्यूबा देश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो कितना प्रतिशत संपन्न कराती है यह बताना है, 20%, 40%, 60% या 80%। तो क्वेश्चन नंबर 14 के यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वह होगा विकल्प नंबर क्या है, बी, यानी कि 40%। बी आपके लिए याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है, किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40% यातायात होता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का कार्य मुक्ता एजेंसी प्रणाली के आधार पर करता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली, तो यह बताना है कब चली थी। सन बताना है आपके लिए 16 अप्रैल 1851 को, 16 अप्रैल 1853 को, या 15 अगस्त 1853 को, 15 अगस्त 1854 को। तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और इसका सही आंसर है क्या है, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 16 अप्रैल 1853 को, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए क्या है, सन 1853 में बहुत ही मामूली शुरुआत से जब पहली अप ट्रेन ने मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी और अब भारत रेल विशाल नेटवर्क में विकसित हो चुका है और इसके यहाँ पर देखिए 115,000 किलोमीटर मार्ग की लंबाई पर 7,172 स्टेशन फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो बताइए, यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके सामने, सभी लोग आंसर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी यानी कि मुंबई, मुंबई यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो कोच्चि में, हैदराबाद में, मोपा में या गुवाहाटी में? तो चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका सही आंसर है कोच्चि, कोच्चि विकल्प नंबर एक सही आंसर है। एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक विमान सेवा है, यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेवाओं में से एक है। दूसरी है कौन सी है, इंडियन एयरलाइंस, जिसका एयर इंडिया में विलय हो चुका है। एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन है क्या है, मारमागाव पत्तन स्थित है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में? चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मारमागाव पत्तन कहाँ पर स्थित है यह बताना है और इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, क्या है, गोवा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। यहाँ इसको मुरगांव या मुरमुगांव भी इसको कहते हैं। भारत के गोवा राज्य के दक्षिण गोवा जिले का एक तालुक और नगर पालिका समिति है। यह भारत का प्रमुख पत्तन है, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है भी है। अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं? तो कौन कौन से, पाक खाड़ी और पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। तो इस प्रकार चार विकल्प। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेतु समुद्रम परियोजना निम्न में से किन्हें जोड़ती है? तो यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी क्या है, देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, यह आपका सही आंसर है।
सेतु समुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा सेतु समुद्रम क्षेत्र के छिछले सागर में एक जहाजरानी उपयुक्त नहर बनाकर भारतीय प्रायद्वीप की परिधि पर एक नौवहन मार्ग सुलभ होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो जो मुंडा जनजाति है यह बताना है कहाँ पर निवास करती है, बताइए बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। चार विकल्प क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मुंडा जनजाति बताना है कहाँ पर निवास करती है और यह निवास करती है झारखंड में। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि भारतीय राज्यों में भी रहती है। इनकी भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। इनका जो भोजन है मुख्य रूप से धान, मंडूरा, मक्का, जंगल के फल फूल कंदमूल हैं। वे सूती वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे बारहतिया बारकी लजा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाकड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या सतलज नदी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाकड़ा नांगल बांध परियोजना जो है किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर होगा सतलज। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो मौसमी प्रवास से संबंधित है थारू, भोटिया, जौनसारी या भोक्सा। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसका आंसर क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो यह है भोटिया। भोटिया विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर, भोटिया उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है जो उत्तराखंड और तिब्बत के सीमावर्ती हिमालय की घाटियों में रहती है। ये खानाबदोश लीग लोग ग्रीष्म ऋतु में बोगियाल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में वापस घाटियों में लौट आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। वैली ऑफ फ्लावर्स तो कहाँ पर है यह राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर एक यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड विकल्प नंबर एक सही आंसर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी का नाम है इसे, और इसे अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैली ऑफ फ्लावर्स। और यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभयारण्य, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह भी बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है और भारत के किस प्रदेश में स्थित है। गुजरात में बब्बर शेर, राजस्थान काला हिरण, राजस्थान बब्बर शेर या गुजरात जंगली गधा। तो इस प्रकार बताइए क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का। और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि राजस्थान बब्बर शेर। जो रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है यह भारत के राजस्थान राज्य में है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। यह उत्तर भारत के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में गिना जाता है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैले इस उद्यान में अधिक संख्या में यहाँ पर बरगद के पेड़ दिखाई देते हैं। यह उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय अभयारण्य अपनी खूबसूरती, विशाल परिक्षेप और बाघों की मौजूदगी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अभयारण्य के साथ साथ यहाँ एक ऐतिहासिक दुर्ग भी पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित करता है। लंबे समय से यह राष्ट्रीय उद्यान और इसके नजदीक स्थित रणथंभौर जो दुर्ग पर्यटकों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर क्या है? तो इसका सही आंसर है केरल। विकल्प नंबर यहाँ पर एक यहाँ पर सही आंसर है केरल। देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है।
यह राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। उद्यान सन यहाँ पर क्या है, 1040 से पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान को वर्ष यहाँ पर 1958 से हाथी संरक्षण परियोजना के अंतर्गत भी लाया गया। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास भी करते हैं। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, तो इसका आंसर है आस्था। आस्था यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, 11 मई 2000 को भारत में 1 अरबवें शिशु के रूप में जन्म लेने वाली कन्या को आस्था नाम दिया गया था। यहाँ पर दिल्ली के सफदरगंज जो अस्पताल में इसका यहाँ पर जन्म हुआ था इनका। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है? तो जनसंख्या वृद्धि दर बताना है 2001 से 2011 के दशक के बीच। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर एक, यानी कि क्या है, 17.7%। 17.7% यह सही आंसर है विकल्प नंबर एक। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? यह बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि 1106। 1106 यह आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था तो कितना था? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर एक, यानी कि 68.8%। 68.88% है आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक। यहाँ पर देखिए, शहरीकरण के स्तर में 2001 की जनगणना में यहाँ पर 27.81% से 2011 की जनगणना में 31.16% की वृद्धि हुई। ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में 72.19 से यहाँ पर 68.84% की यहाँ पर गिरावटी आई। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कथन, वह बताना है साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ। 2001 से 2011 के दौरान साक्षरता जनसंख्या में वृद्धि हुई, या भारत में साक्षरता दर 73.0% आंकलित की गई है, केरल में 100% साक्षरता पाई गई है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का, वह विकल्प नंबर डी कि केरल में 100% साक्षरता पाई गई है। यह जो कथन है यह कैसा है, असत्य है, सत्य नहीं है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में औसत साक्षरता 74.04% है और 2011 में केरल की साक्षरता यहाँ पर 93.91% है। केरल में है कितनी है 2011 के अनुसार है 93.91%। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।